आई छोटे छोटे कलाकार जो हैं इनको प्रोत्साहित करने का काम माननीय लालू प्रसाद जी शुरू से करते आ रहे हैं, आज नहीं नया कोई कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। वो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था गणेश चतुर्दशी के उपलक्ष में, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं होनी चाहिए। वैसे भी देखिए कि बहुत ज़्यादा संकट विपत्त हो इंसान पर कहा गया है, तो उसमें फ्रेश मूड करने के लिए संगीत सांस्कृतिक कार्यक्रम देखना चाहिए। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। महिला आरक्षण को लेकर देश की सियासत गरमाई हुई है। बताते चले आपको कि इस मुद्दे पर आज बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी और कहा कि अगर ओबीसी को उसका अधिकार नहीं मिलता है तो ओबीसी जो है वो ईंट से ईंट बजाना जानता है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता संजय सिंह मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। तेजस्वी यादव ने आज कहा है कि अगर ओबीसी को उसका अधिकार नहीं मिलता है तो ओबीसी ईंट से ईंट बजा डालेगी। ठीक ही कहा है उन्होंने। गरीब गुरवा जो महिला है, दलित पिछड़ा महिला है, उसको अनसुनी कर के ये महिला का जो आपने आरक्षण दिया है इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। हम लोग शुरू से बोल रहे हैं कि आरक्षण जो महिला को मिला है उसके अंदर दलित पिछड़ा महिला को भी आरक्षण मिलना चाहिए, वास्तविकता है। तो उन्होंने ठीक ही कहा है। अच्छा, कुछ दिन पहले रावड़ी आवास पर लौंडा नाच का आयोजन किया गया था जिसमें तमाम मंत्री, विधायक, आरजेडी सुप्रीमो लाल प्रसाद यादव, उनके बड़े लाल तेज प्रताप भी मौजूद थे। विरोधी जो है उनका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लाल प्रसाद यादव तो पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं, अब तो लौंडा नाच का आयोजन करवा रहे हैं और इसका लुत्फ़ उठा रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले ये सोचने का अपना अपना नज़रिया है। लौंडा नाच जिसको आप बोल रहे हैं, दरअसल उस दिन प्रोग्राम में परसों रात मैं भी मौजूद था वहाँ, उसमें भिखारी ठाकुर का प्रोग्राम हुआ था। अब भिखारी ठाकुर का नाम आपने भी सुना होगा, सारा देश जान रहा है भिखारी ठाकुर का नाम। आई छोटे छोटे कलाकार जो हैं इनको प्रोत्साहित करने का काम माननीय लालू प्रसाद जी शुरू से करते आ रहे हैं, आज नहीं नया कोई कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। वो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था गणेश चतुर्दशी के उपलक्ष में, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं होनी चाहिए। वैसे भी देखिए कि बहुत ज़्यादा संकट विपत्त हो इंसान पर कहा गया है, तो उसमें फ्रेश मूड करने के लिए संगीत सांस्कृतिक कार्यक्रम देखना चाहिए, उससे मन और तेज होता है, विकसित होता है। तो उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया भाई? अब लालू प्रसाद यादव पूरे तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। पूरे तरीके से स्वस्थ नहीं हो चुके हैं। आप बताइए कि अगर वो इस तरह से मानसिकता नहीं रखेंगे, राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने से मन को शांति मिलता है, तो शांति के लिए उन्होंने ऐसा किया। ऐसा नहीं है कि उनका तबीयत पूर्ण रूप से ठीक हो चुका है। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में भी लालू प्रसाद यादव की मुश्किल बढ़ गई है। सीबीआई अब कह रही है कि लालू प्रसाद यादव पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। फिलहाल अभी लालू प्रसाद यादव जो हैं वो जमानत पे बाहर हैं, तो अब वो पिटीशन फाइल कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को फिर से जेल में डाल देना चाहिए और अक्टूबर में उनकी पेशी भी होनी है। कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, ये जो नौकरी के बदले जमीन का मामला है ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। आज जैसे जैसे 2024 का चुनाव करीब आएगा, नज़दीक आएगा, वैसे वैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को लालू चालीसा वाली बात जो मैंने बोला था, इनको खोद खोद के कोशिश करेंगे कि किसी तरह से इनको मकड़े की जाल में मैं फंसाऊं। उसी का परिणाम है ये सब, और कुछ नहीं है। ये राजनीतिक हथकंडा तैयार कर रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा इनके ऊपर इस तरह का बोझ डालेंगे, मानसिक तनाव देंगे कि ये असफल हो जाए। लेकिन मोदी जी अपने सफलता की चिंता करें, लालू जी की चिंता करना छोड़ दें। नहीं तो लालू जी पर जो केस फाइल हुआ है तो उसमें तो फिर उनको जमानत पे बाहर है। अगर वो दोषी साबित होता है, लालू प्रसाद यादव पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं, तो शायद वो फिर से जेल जा सकते हैं। अभी आप दोषी कैसे करार कर सकते हैं? वो तो ऑलरेडी जमानत पर हैं। 4 तारीख को, आने वाले 4 तारीख को कोर्ट ने उनको हाजिर होने के लिए बोला है, तो हाजिर होने के लिए बोला है, ठीक है, अच्छी बात है। न्याय का हम लोग सम्मान करते हैं, कोर्ट का सम्मान करते हैं, उसका जो प्रक्रिया है वह तो पूरा ही करेगा। लेकिन यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
ऐसा ऐसा कितना संकट आएगा तेजस्वी जी पर और लालू जी पर, जिसको ये झेलने के लिए तैयार है, पहले भी झेले हैं और आगे भविष्य में भी झेलेंगे। तो यानी कि आपका कहना है कि चुनाव नजदीक है इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। निश्चित तौर पर चुनाव के मद्देनजर ये सब कार्यक्रम चल रहा है मोदी जी का, परेशान किया जा रहा है, परेशान करने के लिए। लालू प्रसाद यादव पूरी तरीके से निर्दोष है, पूरे तरह से निर्दोष है। आप तो देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति से बयान लिया गया, जिस पर यह मामला उजागर हुआ कि अमुक व्यक्ति को नौकरी इन्होंने दिया, उसने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा और जो पदाधिकारी नौकरी दिए उन्होंने भी अपना पक्ष को रखा, तो ये सब बात को न्याय देखेगी, न्याय करेगी, कहीं दू मत नहीं। लेकिन अभी जो ये सब किया जा रहा है, ये शायद कहीं ना कहीं चुनाव आने वाला आगामी जो लोकसभा चुनाव है उससे ग्रसित होकर के ये सब राजनीतिक हथकंडा अपनाया जा रहा है। तो आरजेडी के प्रवक्ता संजय सिंह से हम बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ कहना था सुना आपने। तो बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।